एक बात और निवेदन आपसे, विनम्र आग्रह, विशेष रूप से जो एंड्रॉइड मोबाइल जो है यूज करते हैं, मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मोबाइल को आप चलाइए। आप चलाइए से मतलब यह कि मोबाइल किसी दिन आपको ना चलाने लगे। आप समझिए मेरी बात को, मोबाइल के आप गुलाम हो गए, मोबाइल आपको चलाने लगेगा तो आपकी बुद्धि जो है वो काम नहीं करेगी। आपकी बुद्धि काम करे, आपकी बुद्धि का विकास हो, उसके लिए मोबाइल की जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतना उसका उपयोग करिए। और हो सके कि आप करते ही होंगे, माता पिता और गुरु का सम्मान करिए, क्योंकि आपके आपको आगे बढ़ाने में, आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने में, आपके लिए संघर्ष करने में अगर किसी ने सबसे ज्यादा परिश्रम किया है, आपके स्कूल के एडमिशन से लेकर, आपके स्कूल की फीस से लेकर, आपके ड्रेस से लेकर, आपके खाने पीने की चिंता अगर कोई करता है तो आपके माता पिता करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? पढ़ने के साथ साथ उनका सम्मान करना। हम क्या होता है, हमको जो मोबाइल में ज्ञान मिलता है ना, उसको हम समझ लेते कि वो हमारा ज्ञान है, लेकिन आपको अगर संस्कार, आपको अगर आगे बढ़ाने में किसी ने शक्ति दी है, किसी ने आपको आगे बढ़ाया है, तो माता पिता ने बढ़ाया है। इसलिए माता पिता का सम्मान हमेशा करिए। और आपको कैरियर में आगे बढ़ाने में अगर किसी ने सहयोग किया तो गुरु ने किया है, शिक्षक ने किया है, तो आपके जीवन में माता पिता और गुरु का कितना स्थान होना चाहिए ये भी आपको तय करना पड़ेगा कि नहीं? तो कितने बच्चे तय करेंगे कि सम्मान करेंगे? सभी करेंगे, जिसका हाथ नहीं उठ रहा मैं देख रहा हूं। आपने एक बात और देखी होगी, बहुत सारे बच्चे 90%, 95%, 97% कॉम्पिटिशन का युग है, पाने के बाद भी, बहुत होशियार होने के बाद भी जीवन में किसी स्थान पे नहीं पहुंच पाते। उसका कारण मालूम है आपको? कि उन्हें माता पिता गुरु का सम्मान नहीं किया, उनके मन में यह अहंकार आ गया कि यह सब मेरी क्वालिटी है, यह गलतफहमी है। आपको माता पिता गुरु का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मोबाइल आपका उपयोग न करे, आप मोबाइल का उपयोग करिए और जीवन में लक्ष्य निर्धारित करिए। लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब ये है कि रात को अगर आप ये तय करके सोएं कि मुझे सुबह 6 बजे उठकर ये कार्य करना है, तो आपकी नींद 6 बजे से 5 मिनट पहले खुल रही है, तो इसका मतलब संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। और अगर आपकी 6 बजे नींद खुलती है और अगर आपको आलस से आता है कि थोड़ा और सो जाए देखेंगे, तो इसका मतलब आपने संकल्प का विकल्प खोज लिया और उसी दिन आपने अपने पीछे होने का कारण बता दिया। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं कि आपको एक अच्छा अवसर मिला है, अच्छे स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको माता पिता आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षक आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या मतलब आपके लिए टीचर्स, वन विभाग, ये सब आपके लिए यहाँ पे बुला रहे हैं, फिर मेरे को बुला रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमको भी कुछ ना कुछ रिजल्ट देना चाहिए, और रिजल्ट तभी दे सकते हैं हम कि आप किसी भी कार्य को परिश्रम के साथ करें और लगन के साथ करें। अगर यहाँ वन विभाग ने आपको यह अवसर प्रदान किया तो फिर यहीं के रहो, फिर आपका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, वो सीख कर आप अपने जीवन में इसको आगे बढ़ाएं। और बेटियों को तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इतनी समझदार होती हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, बेटियां जो है ना, 2 कुल नहीं तारती हैं, 3 कुल। बताओ कैसे? आप ससुराल भी, मायका भी और ननिहाल भी। ननिहाल को नहीं बोलता है, ननिहाल का भी तो बहुत बड़ा योगदान है, मामा और नाना का भी योगदान है कि नहीं है? तो आप 3 कुलों को तारते हो,
कितनी बड़ी बात है कि अगर यहां से जाओगे तो वहां तारोगे और उसके बाद भी अपने माँ बाप की चिंता करोगे और अपने ननिहाल की भी चिंता करते, तो एक साथ तीन परिवारों को आप तारते हो, तो आपसे समझदार और कौन हो सकता है। बाद में पता चला कि बेटियों के काम में बोल रहा हूं, मैं कम बोलता थोड़ा। आपका आशीर्वाद वास्तव में कन्याएं आशीर्वाद स्वरूप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि विनम्र भाव से हम लोग इसी तरह सेवा करते रहे और आशीर्वाद दे रहे ना। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ज्यादा बोल गया तो मैं कुछ अपने शब्द कम कर देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। अपने एक दो बच्चे अपना अनुभव यहाँ पर बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा, और मैं भी कुछ सीख के जाऊंगी आप लोगों को। यहाँ सरकार अगर कुछ करा रही तो कुछ आप सीख के जा रहे कि नहीं, आपसे बता के फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।